हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फाइनली एक और सेल लेकर आ गया है फ्लिपकार्ट, यहाँ पे बिग दशहरा सेल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कुछ डिस्काउंट्स जो है मिल रहे हैं अपने आईफोन पे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी सेल से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर गाइज़ हम चलते हैं फ्लिपकार्ट में और आपको मैं दिखाता हूँ। अभी जो है गाइज़ है 4 अक्टूबर आज और मैं हूँ प्लस मेंबर, तो यहाँ पे मेरे लिए जो सेल है वो अभी से मैं इसको जो सेल कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे आईफोन 13 से। इसकी जो प्राइस है आप लोग देख सकते हैं वो 57,000 रुपीज़ दिख रही होगी। तो 57,000 रुपये में गाइस जो है आपको आईफोन 13 मिल जाएगा बहुत ही ईजिली यहाँ पे कार्ड्स वगैरह लगा के, जो कि एक अच्छी डील हो सकती है। लेकिन जो 52,000 वाली डील थी वो शायद हो सकता है दिवाली के आसपास ही है। यहाँ पे आईफोन 11 जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो है 35,000। लेकिन मुझे लगता है अब आपको आईफोन 11 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 5G अब आ ही चुका है और धीरे धीरे सभी जगह जो है 5G अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको कम से कम 5G फ़ोन लेना चाहिए। तो आईफोन 12 मिनी भी ले सकते हो, जिसकी प्राइस जो है वो आपको 36,000 रुपये देखने को मिल रही है। तो 36,000 रुपये भी ठीक ठाक डील है, बहुत बेकार डील मैं नहीं कहूँगा। अगर आपको कोई प्रो सीरीज़ लेनी है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आईफोन 13 प्रो मैक्स 128GB 127,150 रुपये। ये काफ़ी महंगा लग रहा है मुझे, इससे अच्छा आप जो है ऑफलाइन मार्केट में पता कर सकते हो, तो इसकी जो प्राइस है वो हो सकता है थोड़ी कम मिल जाए। आईफोन 13 प्रो की प्राइस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, 128GB की प्राइस यहाँ पे 117,150 रुपये की काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। तो यहाँ से ये दोनों फ़ोन जो है मेरे हिसाब से नहीं खरीदने चाहिए। आईफोन 12 प्रो 128GB 97,000, ये ठीक डील लग रही है 1,00,000 रुपये में अगर आपको जो आईफोन 12 प्रो मिल रहा है 128GB, तो ये ठीक डील हो सकती है। आईफोन 13 मिनी 52,000, मतलब 52,000 रुपये में आपको मिल रहा है आईफोन 13 मिनी, इसकी भी प्राइस जो है मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे हिसाब से अभी आपको इस जो है बिग दशहरा सेल में आपको कोई आईफोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन पर जो है डिस्काउंट से जो मैंने आपको दिखाया भी कुछ खास नहीं है, बहुत अच्छे नहीं कहूँगा मैं। और आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है कुछ टाइम के बाद बहुत ही अच्छी अच्छी जो दिवाली वाली सेल हैं उन पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। काफ़ी अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो बिग बिलियन डे सेल था वैसे ही मिलेगा, लेकिन हाँ उसी टाइप में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट्स मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि बिग जो है दिवाली सेल में क्या प्राइस हो सकती है आईफोन 13 वगैरह की, तो आपको 55,000 रुपये से नीचे प्राइस आराम से देखने को मिल जाएगी आईफोन 13 की। और जो 11 है इसकी प्राइस भी 30,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। 13 मिनी की भी 30-32 के आसपास मिल सकती है। प्रो सीरीज़ पे अगर डिस्काउंट आता है तो 1,10,000 रुपये में आपको जो है 13 प्रो मैक्स और 1,00,000 रुपये में आपको आईफोन 13 प्रो जो है वो मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ आईफोन 13 मिनी की, तो वो आपको 45,000 रुपये के ऊपर ही मिलेगा, उससे कम नहीं आएगा। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से अभी कोई भी आईफोन नहीं खरीदना चाहिए इस सेल में। इससे अच्छी डील अगर आपको ऑफलाइन स्टोर्स में मिल रही है तो आप उसके लिए जा सकते हो। तो बाकी आप लोग वेट कीजिए दिवाली वाली सेल का, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई और अपडेट आता है, जैसे कोई और सेल आती है, तो उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। सो मिलते हैं गाइस आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।